वेलकम बैक दोस्तों, स्मार्ट सोच हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम जो है कि किसी पेज पे अपने हाथ से लिख लेते हैं और कल के डेट में जो है दोस्तों कि हमें आवश्यकता पड़ जाता है कि हमें इसे टाइपिंग करवाना है, या फिर जो है दोस्तों कि आपका जो लिखावट है वो सभी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसको आप सोच रहे हैं कि काफी लोग को देना है, तो वहां पे हो रहा है कि हम इसको कहीं टाइप करवा लेते हैं और उसके बाद जो है कि हम प्रॉपर किसी को दे देंगे। ऐसा ज्यादातर आवश्यकता पड़ता है दोस्तों, कहीं एप्लीकेशन देना होता है हाई लेवल पे, या फिर कुछ और ऐसा चीज होता है, या पेपर कटिंग होता है, काफी सारे जो चीज होते हैं दोस्तों उसमें क्या हमें आवश्यकता होता है कि ये थोड़ा टाइपिंग रहता तो ज्यादा ही अच्छा रहता। और इस अवस्था में दोस्तों हम लोग जाके कहीं पे पैसे खर्च करके और वहां पे है जो कि टाइपिंग करवाते हैं, तो दोस्तों ये सारा चीज का झंझट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, हमें कहीं नहीं जाना है टाइपिंग करवाने। हम जो है कि पेपर कटिंग या अपने हाथ से लिखा हुआ किसी भी टॉपिक को जो है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी कहीं पे भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल वो आपका टाइप किया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है, काफी टाइम लगता होगा, क्या प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने स्मार्ट सोच हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा अर्न करना चाहते हैं, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपको हम दिखाते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे एक पेपर का कटिंग जो है कि अभी अपने मोबाइल से जो है कि इसको मतलब फोटो लिया हूं इसका, जो कि बहुत पुराना न्यूज है, मैंने ऐसे ही रखा हुआ था एक पेपर, वहीं से आपको दिखाने के लिए इसका एक स्क्रीन मतलब फोटो ले लिया हूं। और जो है दोस्तों कि इसी को हम टाइपिंग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाएंगे जो कि बिल्कुल आसान पड़ेगा। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको कि अगर मैं इसी चीज को इंग्लिश में चेंज करना चाहता हूँ, इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या वो पॉसिबल है? तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते रहते हैं क्या ये चीज भी पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने गूगल को ओपन कर देते हैं, विंडोज को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आप जानते ही हैं अगर आपके पास इंटरनेट है तो सब कुछ संभव है। तो दोस्तों आपने गूगल ड्राइव का नाम तो बिल्कुल सुना ही होगा, या तो आपके पास फोन हो या लैपटॉप हो, गूगल ड्राइव का आपने नाम सुना ही होगा। और दोस्तों गूगल ड्राइव आपको यहाँ पे थ्री डॉट जैसे यहाँ पे मिलता है, गूगल ड्राइव में आपको आ जाना है, जिसमें यहाँ पे आप जैसे देख सकते होंगे तो ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको ड्राइव में आ जाना है। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो वो आपका फाइल है उसको आपको गूगल ड्राइवर में अपलोड कर देना है। तो ड्राइवर में अपलोड करने का भी बहुत इजी तरीका है। तो हम देखिए दोस्तों गूगल ड्राइव में आ चुके हैं, और यहाँ पे हम सिंपली जो है कि राइट क्लिक करते हुए अपलोड फाइल, अपलोड फोल्डर, न्यू फोल्डर, ये सारे कुछ ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी हमें फिलहाल यहाँ पे अपलोड फाइल कर लेना है। तो जैसे ही अपलोड फाइल हम करेंगे दोस्तों, तो हमें बताएगा, पूछेगा कहाँ पे आपका इमेज रखा हुआ है, यानी आप जो अपलोड करना चाहते हैं वो कहाँ पे आपका है। तो चलिए दोस्तों हम जो है कि इसको डाउनलोड में रखे हैं, और जो कि हिंदी टाइपिंग के नाम से यहाँ पे मैंने रखा था। तो देखिए ये मेरा फाइल रहा हिंदी टाइपिंग के नाम से, और मैं इसको कर दूंगा ओपन। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ अपलोडिंग वन वन आइटम इस तरह से कुछ आ जाएगा कॉर्नर में, जो कि अपलोड हो रहा है, तो हम इसको कुछ देर के लिए अपलोड होने देंगे। और दोस्तों ये हमारा फाइनली अपलोड हो चुका है। अब देखिए मैंने यही पेपर कटिंग आप लोग को वहां पे दिखाया था, और इसी पे दोस्तों इसी को हमें है कि वर्ड में टाइपिंग करना है। तो दोस्तों सिंपली हम करेंगे क्या इस पे कि फिर से हम राइट क्लिक इस पे करेंगे। तो जैसे ही राइट क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पे प्रीव्यू ओपन विथ का ऑप्शन मिल जाता है। ओपन विथ करते हुए हमें चले जाना है गूगल डॉस पे। गूगल डॉस के बारे में एक और वीडियो बनाया था कि वहां पे स्पीच टाइपिंग कैसे करना है, वो भी बहुत इजी चीज है, आप अगर नहीं देखे हैं तो भी हमारे वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। ये फाइल आपका वहां पे अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद वो आपका टेस्ट को कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हमें कन्वर्ट करके देता है।
और दोस्तों यहाँ पे जो है कि मेरा फाइल अपलोड हो चुका है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैट्रिक परीक्षा पास करने के छात्र छात्राओं के ने मनाई खुशी। तो दोस्तों इसके बाद जो है कि हमें स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा पास करने पर छात्र छात्राओं ने मनाई खुशी, और जो है कि हमारा पूरा जो पेपर का कटिंग था वो सारा जो है कि टेस्ट आपको यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों आप अगर ये आपका जैसे मेरे पास पेपर कटिंग था, आपका हाथ का भी लिखा हुआ अगर है तो भी आप यहाँ पे अपलोड करके कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है इसमें कि हम इसको एक्सेल फाइल में कैसे ले जा सकते हैं या इसे प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सजा सजाया हुआ सा है। अगर इसका थोड़ा बहुत अगर आपको चेंजिंग करना है तो यहाँ से आपको इसका फॉन्ट वगैरह भी आपको मिल जाता है, जो कि आप फॉन्ट वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। दोस्तों इसका जो है कि साइज भी, अगर फॉन्ट साइज भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। यानी आपका जो है कि यहाँ पे काफी ऑप्शन मिल जाता है आपको। लेकिन दोस्तों आप, हमें तो ले जाना था इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो दोस्तों आप जो है कि इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हुए सारे को देखिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी। मैंने दोस्तों यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो है हमें कि इसका जो है कि हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत इजी सा प्रोसेस है कि आपको गूगल क्रोम में आपको यहाँ पे मिल जाता है गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन, जो कि आप सारे कोई जानते ही होंगे। लेकिन गूगल ट्रांसलेट के बारे में भी दोस्तों एक आपको बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताऊंगा, जो कि आप इसको देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा इंग्लिश में टाइपिंग है, तो इसको मैं हिंदी कर देता हूँ क्योंकि जो मैं टेस्ट लाया हूँ वो हिंदी में है। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इधर वापिस मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपका है सारा कुछ जो है कि इंग्लिश में इधर कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा कितना हिंदी और इंग्लिश लिखना कितना आसान है। दोस्तों इसमें जो मैंने आपसे बात किया था कि कुछ इसका अच्छा चीज बताऊंगा, तो वो अच्छा चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पे नीचे में आप देख रहे होंगे स्पीकर का ऑप्शन। तो स्पीकर पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो आपका जो भी हिंदी में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे रीड करके सुना दिया जाएगा। अगर इसी चीज को आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इधर क्लिक कर देंगे, यानी स्पीकर पे इधर क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि इंग्लिश में रीड करके सुना दिया जाएगा। ये मोबाइल में भी ऑप्शन है दोस्तों, आप मोबाइल में भी जाकर देख सकते हैं। अगर मोबाइल में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तो यह कहीं भी जाके इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कहीं भी जाके हम पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दे ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों इसी की तरह वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।